साहस सरोकार। स्वागत करती हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम गुरुजी की भविष्यवाणी में, जिसमें गुरुजी सभी राशियों का दैनिक भविष्य फल तो बताते ही हैं, साथ ही फोन पर आपकी समस्याओं के सटीक समाधान भी प्रदान करते हैं। यदि आपकी भी है कोई समस्या और चाहते हैं उसका समाधान, तो कॉल कीजिए हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर और ले आइए अपने चेहरे पर मुस्कान। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ज्योतिष डॉक्टर आचार्य तुषाराबास से कैसा है आज का दिन। काली कल्याणकारी, आप सभी में स्थित ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम। आज वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि है और आज से वैशाख मास आरंभ हो गया है। शुक्र की होरा में सूर्य देव उदय हुए हैं, अतः आज शुक्रवार है। चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में है, जो अपराह्न 1:33 पर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कल यानी 6 अप्रैल को शुक्र के राशि परिवर्तन अर्थात मेष राशि से वृषभ राशि में आने का प्रभाव आज से कुछ राशियों पर दिखाई देने लगेगा। गुरु जी से आज के दिन की जानकारी के बाद आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के लिए क्या कह रहे हैं आज के सितारे। मेष राशि, आज के लिए धन से जुड़ा लेन देन करने से बचें। आज सूर्यास्त के बाद आप घर में रहें तो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। सफेद रंग अंक 7 और उत्तर दिशा से आज कष्ट हो सकता है, इनसे बचने का प्रयत्न करें। साय 7 से रात्रि 9 के मध्य विशेष सावधानी बरतें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए ये रक्षा कवच अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम गम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, पूरा दिन अच्छे से बीत जाएगा। वृषभ राशि, आज के लिए धन आजीविका से जुड़े काम बनेंगे। परिवार में तनाव हो सकता है, अतः कठोर वाणी से बचें। घर में बिजली के उपकरणों का ध्यान रखें। आज के दिन लाल गुलाबी अंक 9 तथा दक्षिण दिशा कष्ट देने वाले रहेंगे। शाम 5 से 5:30 के मध्य विशेष सावधानी बरतें। आज आपका दिन अच्छे से बीते इसके लिए इस रक्षा कवच का उपाय अपनाएं। अपने दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम श्रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, आज वैशाख मास के पहले दिन से खर्चों को सीमित करना आरंभ कर दें, अन्यथा पूरे महीने धन की कमी बनी रह सकती है। आज अपने बच्चों के साथ समय अवश्य बिताएं, उन्हें आपके भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन सुनहरे रंग अंक 7 और वायव्य दिशा से कष्ट हो सकता है। दोपहर 12 के आसपास के समय थोड़ी सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम भाम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरु जी, कर्क सिंह कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाय करने से उन्हें मिलेगा आज के दिन का पूर्ण लाभ, हमारे दर्शकों को बताएं। कर्क राशि, भाग्य आज आपके साथ है, किंतु अपनी वाणी को सौम्य बनाए रखें। कला के क्षेत्र में किसी विशेष उपलब्धि प्राप्ति की योग है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से प्रशंसा मिलने की संभावना है। आज के दिन भूरे काले रंग
अंक 4 और आग्नेय दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाह्न 9 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें और आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम नमः इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि, आज के दिन कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति बन सकती है। धन से जुड़े कार्यों में बाधा बनी रहेगी, किंतु किसी संपत्ति से जुड़े मामले में आपको आज लाभ हो सकता है। आज नीले रंग अंक 8 और पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को करिए। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या राशि, आज आपका भाग्य बलवान है। जिस कार्य को करना चाहेंगे वो पलक झपकते हो जाएगा। आज के दिन किसी विशेष कार्य का आरंभ करना अच्छा रहेगा। आज नारंगी रंग अंक 3 और उत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम एंग इस मंत्र को 11 बार जपें और उस जल को पी जाएं, दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के जीवन में आज क्या है नया, जानते हैं गुरु जी से। तुला राशि, आज के दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में आए किसी अतिथि का अपमान करना आज कष्टों को बढ़ा देगा। साय 4 बजे के आसपास विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज के दिन पीला रंग अंक 8 और पश्चिम दिशा कष्ट देने वाले हो सकते हैं। दोपहर 1 बजे से 1.5 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और अपनी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम शम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक राशि, आज सुबह से ही आपका मन किसी भय से ग्रस्त हो सकता है। आत्मबल की कमी महसूस होगी और ऑफिस में मन नहीं लगेगा। आज के दिन को सामान्य तौर पर गुजरने दें, कुछ अनहोनी नहीं होने जा रही। आज के दिन हरे रंग अंक 1 और पूर्व दिशा से कष्ट हो सकता है। पूर्वाह्न 9 बजे से दोपहर 12 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम धम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, आज के दिन किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। मित्रों का बहुत अधिक सहयोग आज आपको नहीं प्राप्त होगा। घर में मंदिर स्थान पर आज कोई छेड़छाड़ ना करें। आज के दिन लाल रंग अंक 2 और ईशान दिशा से कष्ट हो सकता है। प्रातः 7 बजे से 10 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रिम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं, दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और अब बात करते हैं गुरु जी से, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि,
धन संचय के लिए आज अच्छा दिन सिद्ध होगा। पूरे दिन आप स्वयं को पराक्रमी बनाए रखेंगे, किंतु सूर्यास्त के बाद अचानक से सर्दी इत्यादि से पीड़ित हो सकते हैं। आज के दिन चांदी जैसे रंग अंक 5 और दक्षिण दिशा से कष्ट हो सकता है। दिन के 11 बजे से 1 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच को अपनाएं। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम यम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में आज अप्रत्याशित सफलता सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, किंतु अपने से ठीक नीचे पद के किसी व्यक्ति से सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए आज दिन ठीक नहीं जाएगा। पूजा पाठ से आज मन आपका दूर रह सकता है। आज के दिन बैंगनी रंग अंक 2 और पूर्वोत्तर दिशा से कष्ट हो सकता है। दिन के 12 बजे तक आज विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए इस रक्षा कवच के उपाय को अपनाइए। दाहिने हाथ में एक गिलास जल लेकर ओम रीम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके कुछ कष्टों को बढ़ा सकता है। धन और विलासिता के साधनों की हानि संभव है। गले में पीड़ा रहेगी। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। अपना वाहन आज किसी को ना दें। आज के दिन सफेद रंग अंक 7 तथा पश्चिम दिशा से कष्ट हो सकता है। रात्रि 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य विशेष सावधानी रखें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए और सभी बाधाओं से बचने के लिए इस रक्षा कवच उपाय को करें। दाहिने हाथ में एक गिलास में जल लेकर ओम लम इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और उस जल को पी जाएं। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और आज की विशेष बात में हम गुरु जी से जानेंगे, अगर आपके बच्चे का लिखने पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए। देखिए, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में ना लगना यह आजकल की प्रमुख समस्या होती जा रही है। हर माता पिता यही कहते पाए जाते हैं कि हमारा बच्चा सही से पढ़ता नहीं, या पढ़ता तो है पर उसे कुछ याद नहीं रहता। और इसके लिए वो एक ये कारण बताते हैं कि हर समय ये इंटरनेट पर लगा रहता है, सोशल मीडिया पर लगा रहता है, और बच्चा टीवी मोबाइल में इतना मन लगाए रहेगा तो उसका पढ़ने में मन क्यों लगेगा। किंतु इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण कुछ और भी है। इसके लिए हमें सभी बच्चों की एक सामान्य प्रवृत्ति समझने की आवश्यकता है, और वो प्रवृत्ति है उनकी चंचलता। बचपन और चंचलता एक दूसरे के पर्याय कहे जा सकते हैं। कुछ बच्चे शरीर से चंचल होते हैं तो कुछ मन मस्तिष्क से। हमें उनकी इस चंचल ऊर्जा को दिशा दिखाने की आवश्यकता है। यहीं पर ज्योतिष हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। मेष, सिंह और धनु राशि वाले बच्चे खेल कूद, भाग दौड़ करने वाले, परिश्रम को महत्व देने वाले होते हैं, और यदि उन्हें खेलने और परिश्रम के अवसर नहीं प्राप्त होते तो उनकी अत्यधिक ऊर्जा उन्हें एक स्थान पर बैठकर पढ़ने ही नहीं देती। तो यदि आपका बच्चा इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि का है और उसे आप अच्छे से पढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो उसे खेलने कूदने और श्रम के अवसर उपलब्ध कराएं। बच्चा मन से पढ़ाई करने लगेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वाले बच्चे ऊपर से शांत दिखते हैं,
किंतु इनका मस्तिष्क बहुत सक्रिय होता है और इन्हें अपनी वाणी के द्वारा अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना बहुत पसंद होता है। इससे इनकी शांत ऊर्जा जागृत होती है। यदि आपका बच्चा इन राशियों का है तो उसे उसके दिमाग के अनुसार कुछ क्रियात्मक करने और कहने की छूट दें। ऐसा करने देने से उसका मन पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लगने लगेगा। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले बच्चे एक दिन शांत बैठेंगे तो किसी दिन अत्यधिक सक्रिय दिखेंगे। ये शीघ्रता से किसी एक बिंदु पर एक बार में निर्णय नहीं कर पाते। इनकी ऊर्जा दोलन करती रहती है। इन्हें पढ़ने के लिए, स्थिर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की ओर प्रेरित करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर संध्या काल में सैर कराना बहुत आवश्यक है। और अब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को घूमने का बहुत शौक होता है। घर से बाहर रहने पर ये उत्साह से भरे रहते हैं, किंतु घर में बस ये मानसिक श्रमिक जैसे होते हैं। इन्हें किताबें पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है, किंतु साहित्य के अत्यधिक अध्ययन के कारण ये अपने कोर्स की पढ़ाई करने से दूर हो जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है इनके पढ़ने के स्थान पर जल से भरा पात्र रख देना चाहिए और इन्हें प्रतिदिन जल का सेवन प्रचुर मात्रा में कराना चाहिए। ऐसा करने से ये बच्चे पढ़ने में मन लगाने लगते हैं। अभी के लिए गुरुजी की भविष्यवाणी में इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। काली कल्याणकारी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर